श्री कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा जालंधर में साप्ताहिक चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें धाम के संस्थापक आचार्य इंद्रदेव काली बबलू पंडित ने आए हुए यजमान पार्षद माइक खोसला, रिश्मा खोसला और सुनीता चावला परिवार से आहुतियां डलवाई और बताया कि चंडी आराधना करने से हर दुख समाप्त हो जाता है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे से 7 बजे तक चंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर रोहित शर्मा, संजीव शर्मा, बिन्नी साहिल, गग्गू, अमित शर्मा, कोमल, प्रीति, गीता, रजनीश, अंकित, पंडित संजय, पंडित पुष्पेंद्र, पंडित विकास सहित असंख्य भक्त जन मौजूद रहे। जय माता दी। कालिका धाम मंदिर बबलू पंडित जी वालों इतने हर शनिवार ये हवन महायज्ञ करवाया जाता है। इतने आके कोई भी अपने दुख तकलीफ घर की संकट कोई भी बीमारी हो प्रार्थना करो तो माता रानी उन्होंने सब कष्ट हर दिए और सब दे तरह से सुख शांति और प्यार बरसाते। सारे जने इतने आके फिर आम भी कोई भी फीस कुछ भी नहीं है, निःशुल्क सेवा है गुरु पंडित जी वालों करवाई जाती है। सारे शनिवार आके इतने अपना योगदान दो। जय माता दी। दुख निवारण महाचंडी महायज्ञ हर शनिवार की तरह, जैसे शनिवार भी माँ भद्रकालिका धाम किशनपुरा में हर शनिवार को समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए दुख निवारण महाचंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस बार पीछे तो कोविड वगैरह का बहुत ज्यादा प्रकोप था और शायद महारानी कृपा करे तो बारी बारी सभी भक्तों को मौका दिया जाता है। सभी संगत आस पास के लोग या जो माँ के भक्त आ गए वो भी एक माँ चंडी का विशेष पूजन हवन करते हैं और हर बार हम किसी न किसी मुख्य यजमान को ही बैठाते हैं माँ भगवती दरबार में। तो इस बार माँ भगवती दरबार में मुख्य यजमान है हमारे कौंसलर साहब माइक खोसला जी, परिवार के साथ आए माँ भगवती का आशीर्वाद देने के लिए। और आदरणीय श्रीमती सुनीता चावला जी, जो कि पहले भी भगवती की बहुत आराधना करते हैं, हमेशा धर्म कर्म में हिस्सा लेते रहते हैं, तो आज ये मुख्य यजमान बन के माँ भगवती का वंदन किया है, पूजन यज्ञ माँ चंडी का अभिषेक किया है। धाम के बीच हवन यज्ञ होया वा, आप सारे इतने नतमस्तक हो आए हैं। मेरी महारानी अगर यही प्रार्थना वा कि साढ़े समाज चो जी कोविड जैसी बीमारी आ इसका दुख निवारण करे, जिन्हें भी भगत आए आ सारे आशीर्वाद बनाई रखे, समाज को बीमारी का दुख दूर हो गए और साढ़े सारे महाराणी इसी तरह कृपा करती रही। अभी सारे महाराणी के चरणों में मत्था टेकन आए हैं और महाराणी के चरणों से ही अरदास है भी साढ़े समाज को रोग मुक्त करो, साढ़े सारे आशीर्वाद बनाई रखो।